हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ औसत चक्र कैसे बनाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें, अगर देखिए आपका विंडो स्क्रीन में ग्रिड और स्नैप ऑन नहीं है, तो पहले आप ऑन कर लीजिए। आप व्यू में जाइए और स्नैप टू ग्रिड और शो ग्रिड को ऑन कर लीजिए। देखिए, शो ग्रिड एंड स्नैप टू ग्रिड। तो उसके बाद आप एक एलिप्स टूल लीजिए, अल्ट को प्रेस कीजिए और एक प्रॉपर सर्कल बना लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये हमने बना लिया तो हमारा स्ट्रोक ऑफ है, तो बहुत अच्छा है, हमें यहाँ पे स्ट्रोक नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसे एक कॉपी बनाएंगे और फिर से उसके ऊपर रख के फिर सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। बट उससे पहले हम स्नैप टू ग्रिड को ऑफ कर लेंगे ताकि हमें जो साइज चाहिए वो साइज यहाँ पे हमें मिले। उसके बाद आप पाथ फाइंडर में जाके इसे काट दीजिए और फिर से आप एक एलिप्स बनाइए। यहाँ पे व्यू, स्नैप टू ग्रिड, एलिप्स बनाइए, अल्ट और शिफ्ट प्रेस करके देखिए प्रॉपर सर्कल में देगा वो। और फिर आप इसे स्ट्रोक में रखिए। स्ट्रोक में रखने के बाद हम और एक एलिप्स लेंगे और फिर से हम स्नैप टू ग्रिड को ऑफ करेंगे। ऑफ करके हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल को हम फिल देंगे, ओनली स्ट्रोक नहीं रखेंगे। और इसे हम ठीक हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर रखेंगे, बट ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा हमें छोटा करना है। तो हमने थोड़ा सा और थोड़ा छोटा, ओके। पहले तो श्योर हो जाइए कि आपको कितना बड़ा चाहिए, आपको कितना छोटा चाहिए, ये श्योर हो जाइए तो ये प्रॉब्लम बार बार नहीं आता है। और इसे अब ठीक से, ओके, अभी ठीक है। तो फिर इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए और फिर से स्नैप टू ग्रिड ऑन कर लीजिए और रोटेट टूल में जाके अल्ट प्रेस करके सेंटर लाइन को पिक करेंगे। तो यहाँ पे 15 डिग्री है, हम इसे इसमें 7.5 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। 7.5 प्रीव्यू को क्लिक करके फिर से प्रीव्यू कीजिए तो आपको दिखाएगा, देन कॉपी। उसके बाद आप इसे कंट्रोल एंड डी प्रेस कीजिए, जो यहाँ पे हमारा सर्कल बन गया। तो अभी हमें जो सर्कल नहीं चाहिए वो सर्कल आप डिलीट कर लीजिए। जो जो सर्कल हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट करेंगे। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से कीजिए क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने का चांसेस होता है कि आप डिलीट करते करते बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा डिजाइन चेंज हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा सर्कल बॉर्डर बन गया, बॉर्डर के ऊपर जो हमें सर्कल चाहिए था। उसके बाद हम एक रेक्टेंगुलर लेंगे, रेक्टेंगुलर को हम इसमें बनाते हैं, यहाँ से बनाते हैं एकदम सेंटर तक। हमें फिली चाहिए, स्ट्रोक नहीं चाहिए। उसके बाद हम पेन टूल लेंगे और यहाँ पे दो पॉइंट ऐड करेंगे, ठीक इसी पॉइंट पे, एक और ये दो। हमने दो पॉइंट ऐड कर लिए, वर्टिक्स ऐड कर लिए। उसके बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे। उससे पहले हम स्नैप टू ग्रिड को बंद करके इसे हम सेंटर में लाएंगे, हम सेंटर पे रखेंगे इसे, क्योंकि हमें ये सेंटर दिखा रहा है तो हमने सेंटर पे रख दिया। फिर से आप ऑन कर लीजिए स्नैप टू ग्रिड, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसे डबल क्लिक करके सेंटर पे बिठा दीजिए, इसे भी बिठा दीजिए और आप नीचे आ जाइए। फिर इसे भी सेम प्रोसीजर में आप कर लीजिए, इसे भी कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा एक जो अशोक चक्र में जो कांटे हैं स्ट्रिक दिख रहा है हमें, वो
बनी है। तो हमने क्या करना है, अभी सिर्फ इसे सिलेक्ट, सिर्फ ओनली नॉर्मल सिलेक्शन टूल लेके ही आप सिलेक्ट कीजिए। अगर ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ पाथ पाथ होगा, पाथ कॉपी होगा, बाकी कोई टूल को कुछ कॉपी नहीं होगा। तो उसको फिर बंद करके हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं चौड़ाई। ओके, इससे क्या हुआ, शिफ्ट प्रेस करके करने से ये पूरा छोटा कर, स्केल छोटा कर दिया, हमें साइड से स्केल छोटा करना है। तो ये हो गया, अगर आपको चाहिए तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, ये परफेक्ट साइज साइज दिख रहा है मुझे इसका। तो इसके बाद आप फिर से स्नैप टू ग्रेड रोटेट टूल्स लेके ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करें। देखिए जो पिछला हमने डिग्री यूज किया था 7.5, बाय डिफॉल्ट वही ऑटोमेटिक लेगा, तो आपने यहाँ पे चेंज करना है 15 डिग्री में। फिर से हम प्रीव्यू करेंगे, देखेंगे सेंटर में आ रहे नहीं आ रहे। अभी अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वही प्रोसीजर जो कि कंट्रोल एंड डी प्रेस करेंगे, तो वही जो हमने पिछला टाइम कमेंट यूज किया था उसी कमेंट को ये दोबारा रिप्ले कर देगा। तो बार बार हमें कॉपी पेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी आप जो सेंटर में जो एलिप्स है, जो सर्कल है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए और सिर्फ फिल कर लीजिए, सिर्फ फिल का फिल दे दीजिए। तो उसके बाद आप सारे को सिलेक्ट कर लीजिए एक साथ, जो आपको चाहिए यहाँ पे पूरा चीज ही चाहिए होगा, और आप उसे ब्लू कलर दे दीजिए एकदम। जो अगर हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग में जो ब्लू कलर कलर होता है वो कलर दे दीजिए, और आप ग्रुप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा अशोक चक्र बन गया। उसके बाद आप इसे सिलेक्ट करके आप रिसाइज कर सकते हैं, आपको छोटा चाहिए छोटा कर सकते हैं, बड़ा चाहिए बड़ा कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से ये सारे एक साथ में छोटा होगा, एक ही साथ बड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक सिंपल और खूबसूरत ट्यूटोरियल बताया है। तो हम क्या करते हैं, आपको मैं इसमें फ्लैग बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, और दोस्तों मेरे तरफ से आप लोगों को एक गुजारिश है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा विजिट कीजिए। मेरा जो ट्यूटोरियल्स है उसे Facebook में मैं देता हूँ, हमेशा शेयर करता हूँ सबसे। तो आप Facebook में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी सीखने को मौका मिले, साथ साथ आपको भी सीखने को मौका मिले। तो इससे क्या होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो दोस्तों ये हमने और एक लकीर बना लिया, और एक लकीर बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे। सिंपल वे में हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल्स में, सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करेंगे, बस। और आपको कुछ करना नहीं है। तो अभी आप जो बनाए शेप बनाए उसे आप फिल कर लीजिए, और अपना मनपसंद कलर आप दे सकते हैं। और इंडियन फ्लैग में ऑब्वियसली तो आप देखिए आपका मनपसंद कलर आप, और ऑब्वियसली आपको इंडियन फ्लैग है तो इंडियन फ्लैग का कलर ही देना है, दूसरा कलर आप यूज कर ही नहीं सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, फिल कर दीजिए, और देखिए यहाँ पे जो है उसे आप अरेंज टू बैक कर लीजिए। और इसका सारे का आप सबका स्ट्रोक बंद कर दीजिए, ताकि जो ब्लू का ये है वो दिखे ना,
और उसके बाद आप इसे ग्रुप बना लीजिए और अरेंज सिंपल बैग, थोड़ा सा अगर आपको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। चलिए सिलेक्ट कीजिए व्यू एंड स्नैप को ऑफ कीजिए और जाके आप सेंटर में डालेंगे। देखिए ये बन गया हमारा खूबसूरत इंडियन फ्लैग। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सबको देखने का मौका दें और सीखने का मौका दें ताकि सब सीख देख सके। अगर जिन्हें भी इंटरेस्ट है सीखने के लिए वो मेरा फेसबुक में मैसेज भेज सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ जानना है तो आप मुझे लिखिए तो मैं उसी उसके ऊपर कोई नया ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों का जो क्वेरी है वो मैं सॉल्व करके करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए।